पहले से करते हैं ट्राई। कैसा है ये बर्गर? बंदे खड़े पे तेरे पास आ मुझे पहले खाया था ना मुझे मजा आता था। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ताज़ा ग्रीन फ्रेश वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की स्टोरी हमारी ये होने वाली है कि मैं वापस मलेशिया से आ गया हूँ, पाकिस्तान में हूँ और लाहौर में हूँ। अभी इस टाइम अपने घर में बैठा हूँ और दो दिन हो गए कि ब्लॉग अपलोड नहीं किया। सोच रहा था कि यूट्यूब पे तो आ गया हूँ, अब इसको कंटिन्यू कैसे करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोस ट्रैवल पे टाइम मिलते हुए बना रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर कोई आइडिया भी नहीं है, कुछ सोचा भी नहीं है कि पाकिस्तान में जाएगी कोई ब्लॉग बनाना है कि नहीं बनाना। बस यही सोच रहा था, बैठा हुआ था और सोचा आप स्टार्ट कर लिए, पीछे नहीं हटना, कुछ भी हो जाए अपलोड वीडियोज़ करनी है, अपलोड करनी है। लेकिन डेली तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूँगा वीक के अंदर 2 से 3 वीडियोस ब्लॉग जो है ना अपलोड कर दूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। तो आज मैं बस बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या करूँ, क्या सब बोलो ब्लॉग बनाऊँ, फारिग बैठा हूँ। तो जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना खाने पे ब्लॉग बनाया जाए। बाहर चलते हैं और स्ट्रीट फूड और ब्रांड फूड मतलब बर्गर्स ट्राई करूँगा, उसके ऊपर रिव्यू दूंगा आप सबको। तो बस इस आइडिया मैंने लॉक कर लिया। अभी रात है, ठीक है, अभी निकलेंगे 10:30 बजे। दोस्त आएगा, उसके साथ जाएंगे, पहले स्ट्रीट फूड खाएंगे, उसके बाद जाएंगे ब्रांड वो खाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा बेहतर है, स्ट्रीट फूड या ब्रांड वगैरह, ठीक है। वो काफ़ी लोग बोलेंगे यार मैं काफ़ी जो है ना बोरिंग व्लॉग्स बना रहा हूँ, बोरिंग बंदा हूँ। तो अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, कोशिश करूँगा ये ब्लॉग अच्छा बने, आप लोगों को अगर मज़ा आए। और यार जो लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोरिंग वीडियोस बनाता हूँ, तो यार एक सब्र करो, अभी आएगा। अभी तो स्टार्ट किए यार, अभी तो कुछ पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, तो थोड़ा टाइम दो। और जो सबसे बड़ा मसला है मेरी आवाज़ का, आवाज़ नहीं आती, वो भी ठीक हो जाएगी, उम्मीद है कि इस वीडियो में बेहतर रहेगी। चलो मज़ीद आप लोगों को जो है ना बोर नहीं करता, चलते हैं। सबसे पहले स्ट्रीट बर्गर खाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे ब्रांड के पास। तभी अभी नहीं चलते, अभी मैं ज़रा शूज़ पहन लूँ, शूज़ पहन के फिर चलते हैं। अब चलें। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, अभी नहीं, अभी नहीं, चाबी तो पकड़ लें बाइक की, उसके बगैर हम नहीं जा सकते। चलो चाबी भी पकड़ लिए, अभी 1 मिनट। एप्पल वॉच पहन लेना, अच्छी लगती है। एप्पल वॉच भी पहन लिए, तो वो सीधा आप लोगों को बोर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो लेक्चर किया है इसको यहीं पे एंड करते हैं और असली स्टोरी अपनी स्टार्ट करते हैं। चल ओ बेटा, बेटा तुम आ गए हो हैं? बड़े वीडियो में आ रहे हो, 2 मिनट हो गए तुम्हारे। भाई आप लोग सोच रहे हो 1000 रुपये क्यों निकलवाया? 1000 रुपये जो है ना स्ट्रीट फूड पे कार्ड नहीं चलता, तो 1000 रुपये उधर। पहले ये बताओ कि बुरा तो नहीं लग रहा ना व्लॉग में आ रहे हो, वीडियो में, वीडियो में आ रहे हो, बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा ही लग रहा। मैंने कहा वाइफ देखेंगी ना, फिर वो कहेंगी कि अनजान लड़कियों के सामने। खाना प्लान का पता है? प्लान क्या? प्लान नहीं बेटा, प्लान ये है कि बर्गर खाने हैं, स्ट्रीट बर्गर, वो भी VIP मम्मी डैडी बर्गर। पहले VIP चलते हैं? नहीं, पहले स्ट्रीट खाते हैं फिर चलते हैं। VIP रिव्यू करना है, बताना है कौन सा बर्गर अच्छा होता है, स्ट्रीट या VIP मम्मी डैडी। पहले स्ट्रीट खाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं मम्मी डैडी। चलो बस अभी जा रहे हैं स्ट्रीट फूड की तरफ, जाके स्ट्रीट बर्गर खाते हैं और उसके बाद खाएंगे मम्मी डैडी बर्गर मतलब VIP बर्गर। आप लोगों को बताना भूल गया हूँ
ये जो है ना मेरे दोस्त है बचपन का, ऊपर नीचे रहते थे हम घर में, तो ये अब चला गया था उधर, क्या कहते हैं दुबई, और 4-5 साल बाद आया वापस। तो अभी चलते हैं जरा थोड़ा शुगर मिला करते हैं, रात के बज रहे 11:15। ऑर्डर कर दिए बर्गर, जिंगर बर्गर ऑर्डर किए 140 रुपये का स्ट्रीट बर्गर, तो ये ट्राई करते हैं कैसा निकलता है, फिर उसके बाद जाएंगे मम्मी डैडी बर्गर के पास। हाँ जी कैसा है ये मिलेगा? बहुत मज़ेदार है यार ये, मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ उड़ाता रहता हूँ यहाँ पे खाने के लिए, मज़ा आ रहा है। 140 में जो है ना क्या सा आ रहा है, बस दुबई में ऐसे जिगर बर्गर नहीं मिलते, सस्ता भी है ना। हाँ सस्ता भी है, कितने नंबर 10 बजे कितने नंबर? अभी किधर जाना है इसके बाद? अभी वहाँ से देखते हैं KFC चलते हैं, या तो मैकडॉनल्ड चलते हैं या तो हार्डिस चलते हैं। हाँ जी वसीम, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, 10 से 8 नंबर पक्के। अच्छा 8 नंबर बहुत मजे का बल करता है। अच्छा चलो वहाँ पर चलते हैं, अगर किसी को भी ट्राई करना है तो ये टेम्पो रोड पे लाहौर में, ये नाम है इसका KFC, तो ज़रूर ट्राई करना। अभी आए हैं इधर जेल रोड KFC में, तो चलो यहाँ का ट्राई करते हैं बर्गर कैसा है। तो जी ऑर्डर आ गया और रेडी है बर्गर, मम्मी डैडी जिंगर ट्राई करते हैं कैसा नहीं आता। ये वाला बर्गर खाया, कल प्यास लगी थी, अभी बोतल पी ले। चलो बेटा रेडी करो। नहीं मजेगा मगर वो ज़्यादा जूसी था, है वो वाला ज़्यादा जूसी था। पहले से करते हैं ट्राई, कैसा है ये बर्गर? बंदे खड़े पे तेरे पास हो, मुझे पहले खाया था ना मुझे मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जूसी नहीं है सही, खड़े पीठ में कुछ है नहीं, कुछ इतना खास नहीं है, सॉस में जो मैंगोज डालते हैं ना वो भी नहीं है। चलो ये खा के उसके बाद नंबरिंग करते हैं। वही बर्गर वगैरह खा लिए फाइनली KFC से, तो रेटिंग वगैरह ने की क्योंकि ऊपर सर पे बंदे खड़े होते तो अच्छा ही लगता ना। बेटा क्या कितने नंबर दोगे इसको? तो 10 में से 5 है। 5 क्यों पता नहीं आया, 140 वाला, 140 वाला वो 10 में 10 है। अच्छा भाई मेरे नंबर जो है ना मैं दूंगा 10 में से, उसको 8 दिए थे, इसको मैं दूंगा 6। ठीक था मतलब थोड़ी मेयोनीज वगैरह कम थी, वो थोड़ा जूसी नहीं था, लेकिन फिर भी 6 नंबर है। लेकिन ये जो है ना उनके लिए है, अमीर लोगों के लिए, VIP लोगों के लिए, वो इधर आके खाएंगे तो उधर जाएंगे नहीं। और अगर किसी फ्रेंड ने ग्रुप को या किसी अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है तो वो उसके लिए वही बेहतर है, 140 वाला बर्गर। तो KFC वो स्ट्रीट बर्गर पर ही जाए, 140 में बेस्ट ऑप्शन है, मज़ा भी आएगा और पैसे भी पूरे होंगे। तो अभी क्या प्लान है मेरा? अभी हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड, अभी जा रहे हैं मैकडॉनल्ड, आइसक्रीम खाते हैं
और घर वालों के लिए ऑर्डर आई है, इनकी शादी भी हो चुकी है माशाल्लाह, और घर से ऑर्डर आया कि बर्गर ले आना मैकडोनल्ड से, तो अभी मैकडोनल्ड जा रहे हैं सामने, बर्गर लेते हैं। और मेरे घर से भी ऑर्डर आया सिस्टर के लिए बर्गर लेना, आइसक्रीम लेनी है उसके लिए, आइसक्रीम लेनी है और फिर निकलते हैं आगे, मैकडोनल्ड चलते हैं। मैकडोनल्ड वगैरह ले लिए बस, अभी घर को निकलेंगे, 12 बज गए हैं। मुझे लगता अभी सैरी भी होगी हमसे, क्योंकि जितना खा लिया ना फुल हो गया, सैरी मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन फिर भी खाना पड़ेगा। लस्सी वगैरह पियेंगे ताकि प्यास ना लगे। मजाल है कि यहाँ की ट्रैफिक ना आपको रास्ता दे देगी, मतलब नहीं रुकेगी एक सेकेंड के लिए कि बंदे गुजर जाए। कैसा लग रहा है आपको शादी करके? शादी करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी तो नया नहीं है ना, अभी पुराना, जब पुरानी शादी हो गई फिर चलेगा पता। ये देख अभी से दो दो बैग पकड़े हुए हैं, जब पुरानी हो जाएगी फिर क्या हाल होगा बेटा, बैग ज़्यादा होने वाले हैं, टेंशन है लो। घर पास पहुँच गए हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया, छोटा सिंपल सा सादा सा, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने आस पास वालों का ख्याल रखना, मतलब पेरेंट्स का, समझ तो गए हो। ओके बाय।